हजारे चांस में आप सभी का स्वागत है। पता कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। हम सबसे पहले खबरों की शुरुआत ललितपुर से करते हैं। ललितपुर से आज जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उसने आज ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि प्रदेश में रिश्वत नाम की कोई चीज नहीं है, उसको लेकर आज जो ललितपुर में वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि ये वीडियो पहले का है या आज का है ये हम नहीं कह सकते, पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। और नोटों की गड्डी देखिए आप किस तरह से मॉनिटर स्क्रीन पर आप की टेबल पर रखी हुई है। नोटों की गड्डी सीधे सीधे ये ले रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की उस मंशा पर पानी फेर रहा है कि जिस पर की सरकारें दम भरती हैं कि हमारे प्रदेश में रिश्वत नहीं है, हमारे अधिकारी रिश्वत नहीं लेते, गरीबों को न्याय, जो भी सरकारी योजनाएं हैं वह बिना किसी रुकावट के उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं। चाहे हम गौशाला के भूसा की बात करें, ये गौशाला का भूसा खा गया, जी हाँ, रिश्वत के रूप में, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर आज सुर्खियां बना रहा। ललितपुर का इस प्रभारी सीबीओ का 3 लाख रुपया रिश्वत लेते वीडियो वायरल। गौ आश्रय केंद्र पर भूसे की सप्लाई, करोड़ों का खेल। सीबीओ और ठेकेदार की मिलीभगत से करोड़ों की बंदरबांट। भूसे के टेंडर को 5 करोड़ से 7 करोड़ करने के लिए 3 लाख की रिश्वत लेने का ये वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। एडवांस पेश की देखिए आप टेबल पर साहब के रखी हुई है। ये है साहब प्रभारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सुरेश पांडे, जिनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में बरसों से करोड़ों का एक खेल चल रहा है। ये वीडियो आज एक उजागर हुआ है। ऐसे ना जाने कितने खेल होते होंगे, पर ये एक मामला उजागर हुआ है और ये वीडियो वायरल हुआ है, और जिसमें सीधे सीधे रिश्वत ली जा रही है, टेंडर के नाम पर ली जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ये हमने आपको दिखाया। फिलहाल अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, क्या इस पर कार्रवाई होती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर रहा वायरल। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ बलराम पचौरी की है रिपोर्ट। अपहरण के वांछित अभियुक्त को तालबेहट पुलिस ने दबोच लिया। विगत दिनों तिरई फाटा के ग्राम टेटा का ये मामला है, जिस तरह से मुस्लिम लड़के के द्वारा हिंदू लड़की को भगा ले गया था, बहला फुसला कर ले गया था, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक परेशानी का कारण बना हुआ था। और तालबेहट पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद इसको वर्कआउट किया और लड़की को बरामद किया, लड़के को बरामद किया। वही गिरफ्तार अभियुक्त की बात करें, बाल अपचारी बाल अपराधी, क्यों अभियुक्त है ये नाबालिग है, इसलिए इसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। दूसरे की बात करें, अभिषेक यादव पुत्र संग्राम सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम लखनपुरा थाना जखोरा ललितपुर। इन पर अगर हम धाराओं की बात करें 63, 366, 320B, 368, 376 इन पर लगी हुई है। अपराध करने का तरीका, बाल अपचारी बाल अपराधी द्वारा बादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना व बलात्कार करना। व अभियुक्त अभिषेक की बात करें तो वादी की नाबालिग पुत्री को बाल अपराधी को उपरोक्त के साथ भगाने में सहयोग करना। जी हां, अभिषेक यादव को जो पकड़ा गया है, ये कहीं ना कहीं इनको भगाने में, इन लड़का लड़की को भगाने में इसका विशेष सहयोग रहा, इसकी अहम भूमिका रही, इसको भी पुलिस ने दबोच लिया। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम की बात करें, कोतवाल विनोद कुमार मेसो अपने निरीक्षक प्रवीण कुमार चौकी प्रभारी तेरई फाटक थाना तालबेट, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, महिला कांस्टेबल नितेश यादव, कांस्टेबल शुभम तिवारी, कांस्टेबल पुष्पेंद्र भदौरिया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मॉनिटर स्क्रीन पर, ये वही सातिर हैं जिन्होंने लड़की को भगा कर ले गए थे, बहला फुसला कर ले गए थे। घर पर माँ बाप परेशान हो रहे थे, और हमने इस खबर का पूरा विश्लेषण भी आपको बताया था कि
ऐसे लड़के कहीं ना कहीं लड़कियों के प्रलोभन देते हैं और अपनी चकाचौंध में इन्हें कहीं ना कहीं अपने माया जाल में फंसा लेते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और बाद में लड़की के हाथ में लगती है मायूसी। अब हम तालबेहट के राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन महाविद्यालय की बात करेंगे, जहाँ पर कि आज छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। महाविद्यालय में युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत विगत 2022 में स्नातक बीए में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए श्रम एवं राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के मुख्य अतिथित्व में एवं जिलाधिकारी संजय पांडे, ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलू राजा, तालबेहट नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार व कोतवाल विनोद कुमार मिश्र के विशिष्ट अतिथित्व में स्मार्टफोन का वितरण किया गया। वहीं अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर रीना वालिया ने की। इस अवसर पर जनपद के गणमान्य नागरिक जिनमें दिवाकर नाथ चतुर्वेदी, राजू चौबे, राजेंद्र लटोरिया, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता व आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय के अगर स्टाफ की बात करें तो गजेंद्र नाथ, डॉक्टर शीतल प्रसाद कटिक, राजेंद्र कुमार, दिलीप नाथ, जितेंद्र कुमार आदि का सहयोग रहा। और इस दौरान श्रम एवं राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने क्या कहा, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। आपके द्वारा होना है और आप इतने स्मार्ट बनिए स्मार्टफोन के द्वारा कि आपकी पढ़ाई में फर्स्ट क्लास के नंबर आए, फर्स्ट क्लास पास हों, चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गुंडा राज था वो खत्म होता जा रहा है, वो जमाना चला गया कि समाजवादी का नारा है और खाली प्लाट हमारा है, वो समय खत्म हो गया है। परेशानियाँ माँ बाप को चिंता रहती थी कि हमारी बच्ची यहाँ गई है कॉलेज ना जाने कब तक आएगी, तो अब वो समय आप लोगों को एहसास होता है कि नहीं होता, आप निडरता से रहती ही नहीं रहती, इसलिए आप बेधड़क होकर अपना कार्य करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। जो गुंडे थे वो जेल में चले गए हैं और जो बाकी बचे हैं वो भी जेल से बाहर हो चुके हैं और ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं तो सीधा जेल में ढूंढ दिया जाता है और एक सीधा ऊपर भेज दिया जाता है। धन्यवाद। भारत माता कल की बात करते हैं तो कल 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। तालबेहट के हजारिया महादेव मंदिर पर परमात समाज सेवी संस्था द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर पर्यावरण दिवस पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी आलोक सिंह शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में ह्यूमन एनवायरमेंट पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में करीब 119 देशों ने शिरकत की थी, जिसके बाद से दुनिया भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा।